एजुकेटेड मुस्लिम भी उसका एक हिस्सा है, जाहिल मुस्लिम भी उसका हिस्सा है। 22 ऐसी मुस्लिम कंट्रियां हैं जो इसको खत्म कर चुकी है। हिंदुस्तान का जो कानून है वो शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा, मुस्लिम औरतों को उनका अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पूरी वीडियो में आपको बहुत सही तरीके से बहुत बड़े एक्सपर्ट आपको बताएंगे, यहाँ तक कि मौलाना भी मौजूद रहेंगे और आप पूरा अंदाज लगाइएगा। ऑल इंडिया मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड है, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बोलता हूँ, इट इज अ मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड। मैं चैनलों पे रूबिका चीख चीख के बोल रहा था कि जलते तवे पर भरोसा कर लो, गिरगिट की जात पर भरोसा कर लो, लेकिन मौलानाओं की नियत पर भरोसा मत करना। ये कभी ना औरत के थे, ना औरत के हैं, ना ये कभी कयामत तक ये कभी औरत के होंगे। 1000 साल से इन्होंने मुसलमान औरत को दबाया है और आगे भी इनकी यही नियत रहेगी दबाने की। इनकी इस हरकत ने आपको और हमको और औरतों को आगाह कर दिया है। मुसलमानों में, मैं इस्लाम नहीं कहता, मुसलमानों में देर इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट वुमेन हैश्ड बाय द मौलाना, इन विच द एजुकेटेड मुस्लिम भी उसका एक हिस्सा है, जाहिल मुस्लिम भी उसका हिस्सा है। ठीक है सर, वक्त इतना ही था, आप आगे अपनी बात जारी रखिएगा। मौलाना साहब सीधे तौर पर, ये कोई और नहीं है, ये भी एक मुसलमान है जो ये कह रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ औरतों की खिलाफत करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अगर इतनी ही आपको औरतों की पड़ी होती तो इतने सालों से वो परेशान है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद फैसला कर लेता जिस चीज को आप बिद्दत मानते हैं, बुरा मानते हैं, कुरान में नहीं है, जिस चीजों के बारे में जिक्र होता है कि बहुत से इस्लामिक मुल्क में इसका रिवाज नहीं है, उसको भारत में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ा। आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी कमियों पर चर्चा करते। आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अगर ये कहता हमसे चूक हो गई, भूल हो गई, हम इस पर खुद ही अगर कह देते तो कोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, शरीयत इस्लाम ने इस पर पाबंदी लगाई और इसको जो है 3 तलक महदूद कर दिया कि 3 से ज्यादा आप तलाक दे ही नहीं सकते, 3 के बाद किस्सा खत्म है। तो कुरान ने वही तरीका बयान किया है। अब मैं आपको 4 वाकयात मैं इस वक्त नोट करके लेके बैठा हुआ हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान नाजिल हुआ है। सर मेरी बात, जिन्होंने 1 सेकंड, वो 4 वाक्य मैं इसलिए नहीं, सर वो हम आराम से कोई बहुत लंबी उस पर हो बहस तो हमें समझ में आता है, वो मैं 4 वाक्य सच में नहीं सुन पाऊंगी, लेकिन आप मुझे बताइए जामिया अल अजहर के बारे में आपने सुना है? जो मैंने सुना है ना, मरकज कहते हैं, मेरी बात थोड़ी सी सुन लीजिए। 1929 में वहां की गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। इस बात का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है और आपको बता दें कि 3 तलाक, 3 बार तलाक कह के तलाक दे दिया जाता है, जो महिलाओं पे बहुत बड़ा जुल्म है। एक चिट्ठी लिख के भी तलाक दे दिया जाता है। सऊदी अरब में सन 1391 में हुकूमत ने मसाइल शरिया पर गौर करने के लिए एक आला तरीन इदारा कायम किया था, जिसमें 17 रुकनी कमेटी एक बनाई थी और उसने 2 साल तलक 37 बड़ी किताबों का, जिसमें हदीस, कुरान और तफसीर, उनका तमाम टोटली लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ पढ़ करके 148 पेज की एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गवर्नमेंट को, और उसमें 1393 हिजरी यानी आज से 49 मौलाना साहब मुझे सऊदी अरब से क्या वास्ता? मौलाना साहब आप सऊदी अरब में रहते हैं, जामिया अजहर से क्या वास्ता? बस आप सऊदी अरब में रहते हैं, शरीयत के मामले में हमें वास्ता जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से। 1929 में वहां की गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया और आप ये कह रहे हैं साहब हम नहीं करेंगे, आप नए तो है नहीं, 22 ऐसी मुस्लिम कंट्रियां हैं जो इसको खत्म कर चुकी है। मौलाना जी सऊदी अरेबिया का उदाहरण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहां पे ट्रिपल तलाक चल रहा है, और ये पत्रकार जो मैडम है ये कह रहे हैं कि 22 देशों में ये बैन हो चुका है ट्रिपल तलाक। और शरिया के बारे में खास बात बताएं, जब महिलाओं के हलाला की तलाक की बात आती है तब शरिया
इनको पसंद आ जाता है मौलाना को, और जब ये कोई मौलाना गलत काम में पकड़ा जाए तब ये शरिया को नहीं मानते, तब कहते हैं हम भारत के संविधान से चलेंगे। ना ये अपना हाथ कटवाते हैं, सिर्फ औरतों पे ही अपना अधिकार और अपना रोब जमाने के लिए इनको शरिया का ध्यान रहता है। आप अपने विचार जरूर रखें और कमेंट बॉक्स नीचे वीडियो शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।